नमस्कार सबको, राम राम, जय श्री राम। आज का लॉकडाउन चल रहा है और मैं मुंबई में हूँ, और मैं कल देख रहा था, यहाँ पे गया था सब्ज़ी लेने, तो यहाँ पे मैं कल देख रहा था कि सब लोग ऐसे घूम रहे हैं बाहर, बिना काम के घूम रहे हैं। तो मेरा सबसे कहना है, जैसे बिहार में कहा था ना कि गेहूँ के साथ में घुन भी पिसता है, वही हाल हो गया है। जैसे हम लोग जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जो लोग सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, और कुछ लोगों की वजह से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो परेशानी सबको हो रहा है। और सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओ देखो देखो, उधर देखो, उधर देखो, देखो पिंटू वाचिंग कर रहे हैं, शुभम कुमार, कुणाल, प्रणाम, रोहित ठाकुर, क्या हो रहा है। रो रहा है, वो देखो। हाँ, रोहित ठाकुर, लव यू भाई मेरे, विजय देहाती। अरे भाई, मेरा टाटी लगाए हो क्या, लव यू भाई। दीपू राज यादव, मुंबई पर कहाँ पर अभी भाई, मैं कांदी वाली हूँ। रोहित कुमार यादव जी नमस्कार, चिंटू लाल प्रणाम, प्रणाम यार, जाओ मामा के पास जाओ, तो यही हाल है। प्रिंस कुमार, आप हमको चिंटू है जानते। हाँ, रो रहा अपने मामा के पास, लेके जाओ उसको। यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा केस है, कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो मुंबई में है। दीपू राज यादव, राज प्रजापति, पहले चुप कराओ हीरो को। सुभाष कुमार, कैसे हो, बढ़िया हो भाई मेरे, तुम बताओ अपना। रोहित ठाकुर, प्रणाम भैया, क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, घर पे बैठ रहा हूँ, सब कोई तो घर पे ही है आजकल, क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। चिंता लाल यादव ने हुआ, लव यू मेरे भाई। अजय प्रजापति है, तो बस यही कहना था कि हमारे मुंबई में इतना, मतलब कोरोना वायरस का केस निकल रहा है, इतना ज़्यादा है, फिर भी मुझे लगता है यहाँ पर उतनी कड़ाई नहीं हुई है। बहुत लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ऐसे चलता रहा तो जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो परेशानी तो बढ़ता जाएगा। तो सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, भाई आप लोग घर में रहिए, भी बेगर इतना बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपके साथ साथ जो लोग ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनको परेशानी बढ़ने वाला है आगे, मुझे लगता है ऐसा। रोहित कुमार यादव जी, लव यू मेरे भाई। राकेश पांडे, रोहित कुमार, मैं आपको कॉल किया था भैया, आपने क्या लिखे हो भाई, कट कर दिया, सॉरी मेरे भाई, मैंने देखा नहीं होगा रोहित ठाकुर कि आपने कॉल किया था, तो सॉरी इसके लिए, हो सकता है कि कभी कर लेना, मैसेज कर देना, मैं उठा लूँगा। MD इरफान, कैसे हो श्याम भाई, लॉकडाउन में। बस बढ़िया हूँ, घर पे बैठे हैं सब लोग, और क्या करेंगे। अब्बास खान, नमस्ते भैया, नमस्ते भाई तुमको, और
रंगलाल निषाद वाचिंग, अब्बास खान वाचिंग, सबको प्रणाम है। और सबसे विनती है कि आप लोग घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सरकार के नियमों का उल्लंघन ना करें। नहीं कि एक आदमी तो कुछ लोगों के बस से सबको परेशानी होता है यार। और हम लोग अब भी नहीं समझ पाए ना, तो और भी परेशानी होने वाला है। तो इसीलिए सबसे आग्रह है कि आप लोग कृपया लॉकडाउन का पालन करें मेरे भाई। दीपक राय हमरो अजीत अकेला प्रजापति, लॉकडाउन में वो गाना बढ़िया से लिखे हो। हाँ तो वही कर रहे हैं, बैठ के क्या करें, गाना ही लिख रहे हैं घर पे। सोनू पांडे, रोहित सिंह नमस्ते। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि आप लाइव आइए, कुछ लाइव बात करते हैं। तो मैं ने बोला चलो फिर आ ही जाते हैं और एक दो दिन के बाद आया जाएगा, ऐसे बात किया जाएगा हम लोग फेसबुक पे। अब तो यही माध्यम है एक जुड़ने का। प्रिंस कुमार हमसे बात करने का मन नहीं। सोनू रॉकी, लॉकडाउन में कुछ नया लिखा। अरे यार दिमाग भी हैंग हो गया है, हम लोग राइटर है ना, तो राइटर जब तक बाहर नहीं जाता है ना तो दिमाग थोड़ा उतना नहीं चलता है। तो जितने काल्पनिक करने वाले लोग हैं, जो कल्पना करते हैं, कवि लोग हैं, सोचते हैं, उनके लिए बाहर आना ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग तो बंद है, ठीक है, उसी में थोड़ा बहुत चल रहा है। अभिषेक पांडे हाय, तुमको भी धीरज यादव जय हो, नाइस, थैंक यू मेरे भाई। सिंगर गौतम सुभाष कुमार, अभिषेक मुनि क्या हो रहा है भैया, बस कुछ नहीं यार, क्या होगा, बोर हो गए होंगे भैया घर में, ये सही सवाल है यार, तो सच्चाई है, इसमें सवाल क्या है, बोर ही हो गए हैं बैठ कर क्या। लेकिन ठीक है, समाज के लिए ज़रूरी है, अगर दीपक राय डेरा पर है बोला डराए के नहीं थे। जो लोग थोड़ा देर से जुड़े हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलजुल के लॉकडाउन का पालन करना है, नहीं करेंगे तो सबको परेशानी होने वाला है। क्योंकि मैं कल कुछ ज़रूरी सामान लाने के लिए, तो ऐसे लोग घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं फिर भी रोड पर लोग घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से हम लोगों को परेशानी होता है, जो लोग लॉकडाउन का पूरा तरीका से पालन कर रहे हैं। चंदन पांडे, कुमार अनुपम जय हो, गुलशन कुमार, कुंदन सिंह भोला कुमार भैया, पवन सिंह का गाना लिखना क्यों छोड़ते, रोहित ठाकुर भैया जिंदगी रहेगी तो बहुत बाहर निकलेंगे, इसीलिए आप भी घर में रहिए, सेफ रहें। मैं घर में ही हूँ, मैं बाहर में नहीं निकलता, मैं पालन कर रहा हूँ पूरा। 3 दिन पे एक बार कहीं जाता हूँ सिर्फ सब्जी लाने के लिए, वो भी नीचे आता है तो, नहीं तो घर में ही रहता हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस तो यहाँ मुंबई में ही है। किशन कुमार गोपालगंज, कुमार अनुपम जय हो, ए दीपू राज यादव जी, श्याम भैया जी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए भैया, मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट शायद भर गया मेरा भाई, तो आप मुझे फॉलो कर लो तो जो भी है अपडेट आपको मिलता रहेगा, आप फॉलो कर सकते हैं। विजय देहातिया गुड आफ्टरनून। सोनू की कोरोना मुंबई में सबसे ज़्यादा, हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि ऐसे हम लोग अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो यहाँ पर केस निकलता रहेगा, मुझे लगता है। दीपक राय हम तक खाली घर है और डेरा पर हट बनी, बहुत बढ़िया, घर ही में रह एक बार न। तो कुमार प्रसाद
कुछ सुनाई लॉकडाउन में हम कहाँ सुनाएंगे। सोने वाला आ जाओ जाओ जा। चलो सो जाओ सो जाओ। सो जा अमित यादव जी, एक पेज बनाइए। पेज मैंने बनाया शायद, उसको मैंने अपडेट किया नहीं। सो जा, चलो सो जा सो जा सो जा सो जा। देखो नहाया अभी, सोने की तैयारी कर रहा है। मुन्ना भैया पना, मैं देवघर से हूँ। पना मेरे भाई, मैं भी मुंबई से हूँ, मुंबई में हूँ से नहीं हूँ। राइटर राकेश जय हो, थैंक यू मेरे भाई। आप अभी आप कहाँ पे हैं भाई? मैं मुंबई में हूँ और यहीं पे प्लानिंग हो रहा था जाने के लिए, लेकिन तब तक लॉकडाउन हो गया। लेकिन ठीक है, जहाँ है वहाँ सेफ है। किशन कुमार गोपालगंज से आपको बहुत प्यार। सुभाष कुमार किसका बच्चा? अरे मेरा भाई अभी पूछने वाला है, मेरा बेटा है, देखो सो रहा है अभी। विजय प्रिंस कुमार, विजय चाचा को आप जानते हैं? कौन? आप कुछ बताओगे तो पता चल पाएगा। ब्राह्मण भूटानी पांडे, गुलशन पांडे जी, कट बेबी क्विट बेबी भाई, थैंक यू मेरे भाई। दिव्यांशु यादव, कुछ टाइम पास, मतलब टाइम ही पास कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं। मुन्ना आप देवघर आए थे कभी? हम लोग गए थे एक बार शूटिंग में, खेसारी जी का शूटिंग हो रहा था। यशवंत क्रांतिकारी, खेसारी लाल यादव को धोखा देती है टाइप का सॉन्ग लिखिए। बिल्कुल वैसा ही गाना एक रेडी है लोकगीत, अभी मुझे लगता है कि 4-5 दिन में वो रिलीज होगा। तो लॉकडाउन चल रहा ना, तो इसी के कारण सारे ऑफिस बंद है, तो जल्दी रिलीज होगा। और उससे बेहतर सॉन्ग है खेसारी लाल ने गाया है, तो उसी ट्यून पे है और बढ़िया सॉन्ग है। तो ये लगन में बजने वाला गाना है, अभी रिलीज नहीं हुआ, नहीं तो आप लोग को मैं 2 लाइन बता देता। लेकिन अभी रिलीज कब होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, जब रिलीज होगा तो आप लोग सुनिएगा उसको। आर आर पंकज जी नमस्कार, आपको कैसे हैं? घर पे हैं आपको? तो फेसबुक में देखता रहता हूँ, बढ़िया है। हम लोग तो मुंबई में हैं अभी। सिंगर शैलेश शुक्ला जी वाचिंग। कोयल ओके, पंकज वाह, लॉकडाउन में रहिए। हम लोग तो लॉकडाउन में ही हैं मुंबई में, लेकिन आपका फोटो मैं देखा हूँ, आप गांव में घूम रहे हैं, बगीचा में द्वार पर। हम लोग को वो भी मनाइए, हम लोग तो नीचे उतर ही नहीं सकते, पूरा सोसाइटी पूरा लॉकड हो गया है। रोहित कुमार यादव, छोटू क्यों रो रहा है भैया? देखो छोटू सो गया, सोने के लिए रो रहा था, सो गया ये। मोहम्मद आलम, कैसे हो मेरे भाई, कहाँ हो आजकल? रोहित ठाकुर, मिसिर जी तो बड़ा बड़ी ठंडा, बहुत पुरानी याद दिला दी यार, 2007 का सॉन्ग था वो, इरोवा रिक्शा वाला का, बहुत बड़ा हिट हुआ था। धीरज जी जो मस्त है, पंकज के पवन सिन्हा,
जय माता दी आपको भी। तनुप्रिया सिंह वाचिंग, नमस्कार आपको। मिथिलेश कुमार, हिट है बॉस। लॉकडाउन के बाद कुछ नया है? हाँ, नया किया जाएगा। अभी तो दिमाग थोड़ा बंद हो गया है, दिमाग का खिड़की थोड़ा लॉक हो गया है घर में बैठे बैठे। मिथिलेश कुमार लिखते हैं, खेसारी भैया एक ब्रांड है। बिल्कुल मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रांड है। रोशन कुमार, नमस्कार भाई, नमस्ते भाई तुमको भी। तो बस यही कहना था सब लोगों से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि कोई यहाँ भी, क्योंकि यहाँ मुंबई में इतना केस निकल रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि 60-70% ही, 70-80% लोग ही इसका पालन कर रहे हैं। बाकी लोग ऐसे निकल जाते हैं रोड पर घूमने के लिए फालतू में। तो अभी हम लोग नहीं संभलेंगे तो मुझे लगता है कि ये और परेशानी हम लोग को बढ़ने वाला है। जो लोग इसको लॉकडाउन का पालन करने वाले हैं, वो यहाँ बिहार में बोलते हैं ना, गेहूँ के साथ में घून पीसना। तो हम लोग का हालत घून हो गया, घून जैसा हो गया है, गेहूँ के साथ पीस रहे हैं हम लोग। पीयूष राय, पवन भैया के साथ नया धमाका कीजिए, देखिए क्या होता है। रोहित कुमार, खेसारी जी के साथ आप भी एक ब्रांड है श्याम भैया। थैंक यू मेरे भाई, आप लोग, क्योंकि हम लोग राइटर हैं और गाना के पीछे गाना लिखते हैं, और लोग तो उनको ही ज़्यादा पहचानते हैं जो टीवी पे देखते हैं गाना गाते हैं। चलिए, कुछ लोग समझते हैं कि भाई राइटर लोगों का भी हाथ होता है, बाकी लोग ज़्यादा तो सिंगर को ही देते हैं माहौल। सोनू राव की कोई नया गाना आने वाला है या नहीं? अभी 3-4 दिन में मुझे लगता है गाना और लोकगीत खेसारी लाल की आवाज़ में रिलीज होगा मेरे भाई, टिप्स भोजपुरी से। जब वो गाना आएगा तो उस गाने को लेकर मैं लाइव आऊँगा और आप सबको बताऊँगा। लेकिन अगर आया होता तो मैं 2 लाइन सुनाता गाने का, लेकिन अभी सुना नहीं सकता क्योंकि आपको ही पता है कॉपीराइट प्रॉब्लम है। इधर 2 लाइन सुनाऊँगा, उधर बिहार में गाना निकल जाए, कल रिलीज हो जाएगा। रोहित कुमार, खेसारी भैया के लिए एक हिंदी, बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है। और मैंने जितने खेसारी जी के लिए हिंदी सॉन्ग लिखे लगभग सारे हिट हुए हैं। जैसे एक लड़की ना प्यार को सीरियस लेती है, 100 में से 90 को धोखा देती है, या 13 संग का ना जाऊँगा होटल बिट्टू वीडियो बना के कर देगी वायरल, ये सारे गाने हिंदी लगभग मैंने जितने लिखे हैं वो सारे हिट रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसको, तो इसलिए आप लोग जो हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया है जो आप लोग गाना सुनते हैं। और या एक गाने कम आ रहा है, देखिए सोने पर सुहागा होगा मेरे भाई, क्योंकि पल्लू जी का एक लोकगीत हम लोग डब किया हुआ है, मुझे लगता है 2-3 दिन वो भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया सॉन्ग है ये, मुझे लगता है आदिशक्ति या किसी कंपनी से रिलीज होगा, डब हो गया लोकगीत, आप लोग बहुत जल्द सुनने को मिलेगा पल्लू जी के भी आवाज़ में। शशांक तिवारी भैया, एक सॉन्ग मेरे लिए लिख दीजिए। लिख सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, आपके लिए मैं सॉन्ग लिख सकता हूँ, आप जब बोलिएगा आपके लिए किया जाएगा। एक हिट गाना दीजिए।
बिल्कुल हीट फ्लक तो बनाना है ऊपर वाले के हाथ में है, बस हम लोग पढ़ना। बाबा कैसे मेरा भाई, मेरा दिल का टुकड़ा पढ़ना। राइटर साहब ठीक है ना, कोरोना में बाहर मत। भाई हम लोग मुंबई में ठीक ही है, पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहा है, लेकिन आपका मैं एक दो फोटो देखा हूँ, आप बगीचा उगीचा में है। शशांक तिवारी भैया नंबर दे दीजिए। एक नंबर मेरा ऑफिशियल है, फेसबुक पे ही है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो, उससे बात हो जाएगा। रोहित कुमार यादव, लॉकडाउन के बाद आपसे बात करना, बिल्कुल आप फोन, मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ। एक्ट्रेस प्रियांशी सिंह वॉच, थैंक यू शशांक तिवारी। जब आप लिख दें ठीक है, कोई बात नहीं, बजट का कोई इशू नहीं है। अभिषेक अभिनय, राहुल रंजन जी वाचिंग, नमस्कार आपको। रोहित ठाकुर, आप मुझे नहीं पहचानते भैया, लेकिन मैं आपसे आशीष भैया के स्टूडियो पे मिला था मुंबई में। ओके, हाँ प्रणव, बहुत तुमको दर्शन करना है। पेंगनी सुशील नेपाल, अरे भाई नेपाल हम लोग का छोटा भाई, नेपाल है, श्रीलंका है, छोटा भाई है, सिर्फ हम लोग का दुश्मन पाकिस्तान है। वीरंगना सिंह चौहान वाचिंग, नमस्ते। हाथी जी सुपरस्टार नहीं यार, चंदन सिंह वाचिंग, यशवंत हिंदी भोजपुरी इंग्लिश के फेमस वर्ड मिक्स करके खेसारी भैया के लिए सॉन्ग लिखे, बिल्कुल किया जाएगा, ऐसा प्लान चल रहा है, जिससे हम लोग भोजपुरी हिंदी मिक्स करके एक सॉन्ग बनाया जाएगा। और आप लोग से आग्रह है, जितने लोग देख रहे हैं, कि जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं देहाती इंटरटेनमेंट, और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने एक और चैनल खोला है, उसको मैंने अभी खोला है, श्याम देहाती लाइव, उसमें मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना के, मैं तो जहाँ जाऊँगा डबिंग करूँगा या जिससे मिलूँगा, एक छोटा वीडियो क्लिप 3-4 मिनट का, 5-6 मिनट का आप लोगों को दिखाऊँगा मैं, कि आप लोगों को पता चले। भाभी पूजा कर रही है, जय हो यार, तुम तो रमजानी हो, गोपालगंज में बैठ के समझ लिए, दूर की चीज हो भाई तुम। तो वही मैं बोल रहा था कि एक मैंने मेरा देहाती इंटरटेनमेंट जो चैनल है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने एक और चैनल खोला है श्याम देहाती लाइव, उस पर मैं छोटा छोटा क्लिप में बना के डालूँगा, जो मैं हम लोग डबिंग करते हैं, जैसा सेटिंग करते हैं, गाना कैसे बनता है, कैसे डब होता है, ताकि आप लोग भी सुनेंगे ये चीज़ देखेंगे, तो आप लोग को पता चलेगा कि अच्छा लगेगा ये सब देखकर। इसीलिए मैंने सोचा है कि एक छोटा छोटा क्लिप जो होता है 4-5 मिनट का, डबिंग कैसे होता है, सेटिंग कैसे होता है, कैसे होता है,
तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको डालने वाला हूँ। उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो श्याम देहाती का छोटा भाई हूँ, कहते मेरा भाई घंटी बाजार कोई नहीं लाइक कर रहा, उन पे सब्सक्राइब नहीं कर रहा और उनका वीडियो भी नहीं देखना। ये बोल रही है, ये बोल रही है कि तुम कपड़े नहीं पहन, जब पहन के आ जा। वो बोल उसको रात को मैं पीटा हूँ, सुसु कर दी थी काजल। पीटा हूँ सुसु करती रात को, तो इसलिए बोल ले कि मेरा वीडियो लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना है। इसलिए बोल रही है डैडी का वीडियो लाइक नहीं करना और सब्सक्राइब नहीं करना। जाओ पहले कपड़ा पहन के आओ फिर बोलना। जाओ 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 पहले कपड़ा पहन के आओ ना फिर बोलना। चलिए आप लोगों को फिर, और आप लोग जहाँ हैं सेफ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें आप लोग। और प्लीज आप लोग और हमसे जुड़े रहिए। जा तुम लाइफ चल रहा पिटाओगी। विजय देहाती, विजय भाई आपने टाइटल देहाती क्यों लगाया है? समझ नहीं पाया मैं भैया। मैसेंजर पे आप सोनू आनंद का हलवा भाई, बहुत बढ़िया भाई, अपना बताइए अभिषेक क्या बात है। कसारे भैया कहाँ है? वो भी मुंबई में ही है। तो बस यही कहना था आप लोग जहाँ हैं अपने घर संतोष कुमार जी वाचिंग, संतोष कुमार जी आ रहे थे, ये बोले एमडी इरफान जी, ये बोले एमडी आज रोहित ठाकुर, रोहित ठाकुर, प्रणव कुमार, प्रणव कुमार, सबको नमस्कार, सबको बोल दो। डैडी का चैनल सब्सक्राइब करो, डैडी का चैनल नहीं सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं बोलते, बोलो सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं करते, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना डैडी में और लाइक भी ना। थैंक यू, थैंक यू। एक बार बोल दो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। एक बार बोल दो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। वैसे नहीं बोल दो, वैसे नहीं बोल दो। चलिए फिर नमस्कार, चलिए फिर नमस्कार। आप लोग, आप लोग मेरे डैडी का चैनल, मेरे डैडी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देहाती इंटरटेनमेंट, सब्सक्राइब नहीं। अब वैसा नहीं बोलते, देहाती इंटरटेनमेंट, देहाती लड़की, इसको नहीं बोलना आता है, इसको नहीं बोलना आता है। जा तुम सब कोई बोलेगा कि तुम नहीं बोल पा रहे हो। बोलो, बोल दो देहाती इंटरटेनमेंट, देहाती इंटरटेनमेंट। और श्याम देहाती लाइव, श्याम देहाती नहीं लाइव। हाँ बोलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग। डेली में कोई नहीं लाइक करना, सब्सक्राइब खाली करना और कोई नहीं लाइक करना। अरे ओए बोल दो। अच्छा मोदी जी क्या बोल रहे हैं बता दो। बोल दो मोदी जी क्या बोल रहे हैं। बोल दो मोदी जी बोले हैं, बोल दो मोदी जी बोले हैं कि डेली जी बोलो मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है,
आप लोग घर में रहिए, आप लोग घर में रहिए, बाहर खत्म हो गया कोरोना। अरे अभी है संतोष पुरी जी नमस्कार। आप हमारे बिल्डिंग में रहते हैं? आप हमारे बिल्डिंग पर नहीं रहते हैं? अबे रहते हैं, नहीं रहते। चलिए थैंक यू आप लोगों को मुझसे जोड़ने के लिए। नहीं, और 4-5 दिन के बाद मेरा रिलीज होगा तो उसके लिए भी लाइव आऊँगा आप लोग से बात करने के लिए। तो चलिए आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए, और सबको मेरा सलाम, राम राम, और हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम, और हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़े रहिए, और हमको फॉलो करिए। हमको ओके, नमस्कार। ओके।